बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगे जाने की वारदात का खुलासा तब हुआ जब एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर ने अपने साथ ऑनलाइन ठगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद एक एक कर कई बूथ लेवल ऑफिसर सामने आए और इस तरह की ठगी के कई मामले दर्ज कराए गए। जानकारी के मुताबिक फरियादी बूथ लेवल ऑफिसर मीना पद्माकर वाहने जो सरकारी शिक्षिका है, उनके फोन पर बीते गुरुवार 16 मार्च को एक कॉल आता है। सामने से बात करने वाला व्यक्ति खुद को इलेक्शन अफसर बताता है और पीड़ित महिला से उनके बूथ लेवल ऑफिसर होने की जानकारी लेता है, जिसके बाद व्यक्ति महिला को अपने फोन में BLO इंडेक्स ऐप इंस्टॉल करने को कहता है और उस ऐप में महिला को अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और उनके यूनियन बैंक के ATM को स्कैन करने को कहता है। जैसे ही महिला अपना ATM कार्ड उस ऐप में स्कैन करती है, वैसे ही महिला के यूनियन बैंक से करीबन 46,390 रुपए निकाले जाने का मैसेज महिला के फोन पर आता है, जिसे देख महिला समझ जाती है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इसके बाद महिला धोखाधड़ी की शिकायत जरीपटका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराती है। इस तरह के मामले के उजागर होते ही कई अन्य बूथ लेवल ऑफिसरों द्वारा भी इसी तरह की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया जाता है, जिससे इस नए तरीके से बूथ लेवल अफसरों से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए ठगने के नए गिरोह के सक्रिय होने का खुलासा शहर में होता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर पुलिस टीम की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीत राहणारे मीना पद्माकर वाहने वय 54 वर्ष राहणार नागसेन नगर यांना दिनांक 16/3/2022 रोजी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास एका अनोळखी व्यक्तीने मोबाईल नंबरवरून फोन केला आणि स्वतः इलेक्शन ऑफिसर बोलत आहे असे सांगून त्यांना BLO संबंधी माहिती विचारली। त्यांना ते स्वतः BLO म्हणून काम करत असल्याने त्यांना विश्वास वाटला। त्यांनी त्या अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून स्वतःच्या मोबाईलमध्ये BLO एनी डेक्स ॲप डाउनलोड केली। त्या ॲपच्याद्वारे त्यांनी त्या ॲपवर स्वतःचं इलेक्शन कार्ड, वाहन चालवण्याचा परवाना व त्या अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून ATM कार्ड स्कॅन करून माहिती पाठवली। त्यानंतर थोड्याच वेळात त्यांच्या युनियन बँकेच्या अकाउंटमधून एकूण 46,379 रुपये डेबिट झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले। मीना वाहने यांच्या लक्षात आले की ही फसवणूक आहे। त्यांनी दिनांक 17/3/2023 रोजी जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे तक्रार नोंदवल्याने अनोळखी इसमाविरुद्ध भारतीय दंडविधान कलम 420, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000, कलम 66C व 66D नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही स्वतः गोरखकुंभार पोलीस निरीक्षक जरीपटका पोलीस स्टेशन करीत आहोत। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।